Good day to everyone. Welcome back to my channel. If you really like my videos, don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon for more updates. Bismillahirrahmanirrahim. Good day to everyone. आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले गोश्त। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने करेले लिए हैं, मैंने छोटे वाले करेले लिए हैं, ये 700 ग्राम है। आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से इनको मोटा मोटा छीला है, बहुत ही इसको ज़्यादा छिलका नहीं उठाना है, सिर्फ हल्का हल्का से मैंने इसे छीला है और इसके बीज अंदर से निकाल देंगे। सब करेलों को मैं इसी तरह छील लूँगी और इस तरह बारीक बारीक कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से 2 टेबलस्पून के करीब इसको सॉल्ट लगाया है, अच्छे से मैंने हाथ से घसल के रख दिया है। एक से डेढ़ घंटा मैं इसे छोड़ दूँगी। अब हम अपना मटन रेडी करते हैं। मैंने 1/2 kg मटन लिया है, उसमें साबुत मसाले हैं, सफ़ेद ज़ीरा 1 teaspoon, दालचीनी है 1 टुकड़ा, 2 छोटे छोटे टुकड़े मैंने लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, सूंड का पाउडर है 1/2 teaspoon, 4 से 5 लौंग है और थोड़ी सी काली मिर्च है। सॉल्ट लिया है 2 teaspoon है, 1.5 teaspoon सूखा धनिया, 1/2 teaspoon हल्दी, 2 teaspoon मैंने रेड चिली ली है और कुछ साबुत रेड चिली ली है स्पाइसी वाली, 1 bunch garlic है जो मैंने छील के रख लिया है, 2 से 3 green chili है, 3 बड़े वाले onion मैंने लिए हैं, 2 बड़े टमाटर। चलिए इसको मटन की रेड तैयारी करते हैं। मटन में मैंने प्याज डाल दिया है और 2 कप पानी डाला है। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। गार्लिक और ये सब साबुत मसाले डाल देंगे और ये स्पाइसी वाली रेड चिल्ली है, इसको मैं तोड़ के डालूंगी। इस बोल वाली चिल्ली से थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है। सब मसाले ऐड कर दूंगी, स्पाइसी सारे टमाटर, और इनको मिक्स करके कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी। गोश्त गलने तक मैं इसका इंतज़ार करूंगी। अब मैं देखूंगी हमारा गोश्त गल चुका है, पानी तो काफ़ी सारा ड्राई हो चुका है। गोश्त चेक कर लेते हैं, अच्छा टेंडर गोश्त हमें चाहिए। गोश्त तकरीबन गल चुका है, गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब इसका पानी ड्राई करेंगे। इसको मैंने दूसरी साइड पर रख दिया पकने के लिए, ड्राई होने के लिए। करेले को अच्छे से हाथ से देखिए करेले से अच्छा सा पानी निकल आया है। पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। करेलों को मैं 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करूंगी और फिर मैं इसे बॉयल होने के लिए डालूंगी। मैंने पानी बॉयल किया, उसके अंदर 1/2 कप मैंने विनीगर डाला है। जैसे ही पानी में उबाल आता है और मैं ये वॉश करेले उसमें डाल दूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी। हमें इसे गलाना नहीं है, सिर्फ इसका कड़वापन निकालना है। और मैंने टब में कोल्ड वाटर रखा हुआ है, 2 से 3 मिनट इनफ होगा इसके लिए। 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसे निकाल लूँगी बॉयल पानी से और ये ठंडे पानी में डाल दूँगी ताकि इसका कुकिंग बंद हो जाए, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और अब हम अपना मटन पूरा करते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने दही डाला है। दही डाल के अच्छे से इसका दही का पानी ड्राई करूँगी और फिर मैं इसमें ऑयल डालूँगी। 1/2 कप मैंने ऑयल डाला है। अच्छे से इसको भूनूंगी। लीजिए मैंने उसे दम वाली आग पे दूसरे चूल्हे पे रख दिया है, वो भूनता रहेगा। साथ ही मैं करेले फ्राई कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने बहुत कम ऑयल लिया करेले फ्राई करने के लिए, बहुत ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं है। ऑयल गर्म करके फिर मैं इसमें करेले डालूंगी। करेलों को हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, लाइट सा हम ब्राउन कलर में लेके आएंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे फ्राई करेंगे। 7 से 8 मिनट में हमारे करेले फ्राई हो जाएंगे। देखिए काफ़ी करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं, थोड़ा सा और। ये करेले ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, मैं इनको निकाल लूँगी। अब इसी ऑयल में मैं 1 onion स्लाइस करके थोड़ा फ्राई करूंगी।
ये देखिए इस तरह से एक अनियन स्लाइस किया है मोटा मोटा सा, और उसे फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। हमें सिर्फ फ्राई करना है, इसे गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है मुझे। और साथ ही मैं ग्रीन चिली ऐड कर लूँगी, बस इतना ही इसे फ्राई करना है। और मैं इसे करेलों के साथ निकाल लूँगी। अब हम अपने मटन को देखेंगे। मटन बहुत अच्छे से भून चुका है। ये जो हमने करेले फ्राई किए हैं इसका ऑयल हम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं यही ऑयल मटन में ऐड कर दूंगी लास्ट में जाके। देखिए करेले और जो हमने अनियन और ग्रीन चिली फ्राई किए हैं वो मैंने इसमें डाल दिए, और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट का मैं इसे दम लगाऊंगी, ताकि हमारा करेले जो थोड़े से कुरकुरे हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और मटन में भी उनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। गरम मसाला ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून के करीब मैं गरम मसाला ऐड करूंगी। इसमें मैंने, आपने देखा होगा, मैंने बहुत ही बेसिक मसाले यूज़ किए हैं, क्योंकि वेजिटेबल में हमें इसका टेस्ट चाहिए, मसालों का टेस्ट हमें नहीं चाहिए। लीजिए हमारा मटन रेडी हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।